हर तरफ बुतों की परस्तश है, नमरूद के मुजस्मे बने हुए हैं और लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं। अब इब्राहिम का इम्तिहान है कि क्या इस माहौल के अंदर वो इनकी तरफ झुकाव करता है। लेकिन जनाब इब्राहिम कहते हैं कि इन तमासील के आगे तुम आसन मारे बैठे हो, जो अपना दिफा भी नहीं कर सकते और अपनी ज़रूरत की तकमील भी नहीं कर सकते, तुम्हारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे? तो ये मेरे रब नहीं हो सकते। शम्सो कमर को, चांद को, सूरज को, सितारों को पूछते हो, अच्छा ये चांद ये सितारे रब है? तो जब डूब गए तो कहा कि जो डूबने वाले हैं वो मेरे रब तो नहीं हो सकते, मुझे रब की ज़रूरत पड़ जाए, रब डूबा हुआ हो तो मुझे तो वो चाहिए जो हर वक्त हाजिर हो, तो मैं तो उस रब की पूजा नहीं कर सकता। ये उनके शऊर का इम्तिहान था और उस शऊरी इम्तिहान में पूरे निकले। फिर उसके बाद अगला इम्तिहान था कि वो उस शऊर को बयान करने की ताकत भी रखते हैं कि नहीं। फिर बुत कदा टूटता है, नमरूद का दरबार सजता है और वहाँ जो खुतबा हजरत इब्राहिम ने दिया जमाने ने सुना, जब कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पे रख दिया और बाकी सारे बुतों का दिया पांचा करके रख दिया, जब वो मेले से वापस आए तो इब्राहिम बड़ी बेनियाजी से बोलते, इनके बड़े ने किया होगा, देखो असला तो उसी के कंधे पर है। तो वो कहने लगे, इब्राहिम तू जानता है ये बोलते नहीं है, और हजरत इब्राहिम यही तो लाना चाहते थे। फिर जो खुतबा दिया, उफ़िल्लकुम वले मा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह अफला ताकिलून, अफसोस है तुम्हारे ऊपर और अफसोस है उन पर जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूछते हो, अफला ताकिलून, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नहीं है? और फिर अल्लाह की तौहीद का बयान फरमाया। फिर उसके बाद जान का इम्तिहान आया, तो फिर जलते हुए शोलों के अंदर जिस तरह हंस के दाखिल हुआ पैगम्बर, यह अलग और निराली शान थी। नमरूद ने सोचा था जल के राख हो गया होगा चिखा में, लेकिन 40 दिन के बाद जब आग बुझती है तो हजरत इब्राहिम अंगारों से चलते हुए यूं बाहर आते हैं जिस तरह फूलों पर कोई नाजनीन चल के आ रहा। फिर 87 साल उम्र है, अल्लाह ताला फिर हजरत हाजरा के बतन से हजरत इस्माइल की सूरत में औलाद अता करता है। अब इतनी बुढ़ापे की उम्र में औलाद नसीब हो तो इंसान का जी चाहता है सारे काम काज छोड़ के घर बैठ जाऊँ और मैं अपनी औलाद के चेहरे की बलाएँ लूँ, लेकिन हुक्म होता है अपनी जौजा को भी और अपने नव मौलूद बेटे को भी ऐसी वादी में छोड़ाओ जहाँ कोई सब्जा भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के रगड़ने से जमजम जारी होता है। अब ज़रा देखिए, एक ऐसा इम्तिहान आता है, अगर को हमालिया पे भी डाल दिया जाता उसका पिता भी पारी हो जाता। फलम्मा बालगा माहुसाया, जब वो उनके साथ चलने फिरने के काबिल हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं और ख्वाब क्या देखते हैं कि मैं बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। फलम्मा असलमा, जब दोनों राजी हो गए, बाप ज़बह करने पे और बेटा ज़बह होने पे, अब बाप की आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ में छुरी है, 100 साल का बूढ़ा बाप, जबले सुबैर का दामन, मना की वादी, कारकुनाने कजा व कदर दम बखुद हैं, शम्सो कमर, ये मंजर आज से कबल उन्होंने नहीं देखा था, और सूरज बादलों की ओट में मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है कि ये मंजर मुझसे नहीं देखा जाएगा। हूरों की चीखें निकल रही है, कायनात थर्रा रही है, मालिक कयामत आने वाली, और मालिक भी फरिश्तों से कह रहा था कि तुम कहते थे ना कि सजदे हम करेंगे, तस्बीहात हम करेंगे, इंसान तो धींगा मुश्तियाँ करेगा, ज़रा मेरे बंदे की इस अदा को भी देखो, मेरे हुक्म की तामील पर मेरे बंदे की इस अनोखी अदा को भी देखो। छुरी की नोक हलक के ऊपर रख के पूरा वजन डाल दिया, गला कट गया, खून बहने लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अजीब कैफियत में, क्या कैफियत हो सकती है, मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। जल्दी से जो है वो आंखों से पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि मंजर बदला हुआ है, बेटा समझ के जिसको ज़बह किया वो तो दुम्बा था, और इस्माइल अलैहिस्सलाम पास खड़े मुस्करा रहे हैं और पास हजरत जिब्रील अमीन भी खड़े हैं, ये इस बात का अमली सबूत है, ये वो दुम्बा लेके आए। तो बेसाख्ता जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर जो लफ्ज़ आया वो ये था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पास खड़े जिब्रील बोले, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ने कहा, ए इब्राहिम तुम्हारी कुर्बानी की सुन्नत को भी कयामत तक जारी रखेंगे, तुम्हारी जुबानों से निकले हुए जुमले भी मरने नहीं देंगे। वनादैना हो या इब्राहिम कद सद्दक्त रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन, इस हाल में हमने नदा दी, इब्राहिम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। अल्लाह फरमाता है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, ये छोटा इम्तिहान नहीं था,
और फिर मेरा रब रब हो के क्या कहते हैं, सलाम अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर सलामतियाँ नाजिल हो। अल्लाह अकबर। परसों भी मैं किसी मंडी के करीब से गुजरा, कहते हैं इस इलाके की सबसे बड़ी मंडी है, तो हज़ारों जानवर, हजूम मोहब्बत, और सड़कों पर, गलियों में, बाज़ारों में, कोई यहाँ गाय लेके जा रहा है, कोई बैल, कोई ऊँट उठा के लेके जा रहा है, तो बेसाख्ता मेरी ज़ुबान से यही निकलता है, सलाम अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर सलामतियाँ नाजिल हों। अल्लाह अकबर। और उस कुर्बान गाह पर, जिस कुर्बान गाह पर हज़रत इस्माईल को लेकर के चले थे मना की वादी में, जबले सुबैर के पास, वहाँ 25 लाख हुज्जाज जानवर ज़बह करेंगे, तो मना की वादी इस गूंज से मुनव्वर होगी, आवाज आ रही होगी, सलाम अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर सलामती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोटा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मेरे रब ने भी फिर जो एजाज दिया, जो तकरीम दिया, अर्ज की गई, या रसूलल्लाह ये कुर्बानियां क्या हैं? फरमाए तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। कयामत तक वो नक्शा हमारी आंखों के सामने रहेगा और लोग अपने कीमती मता को इस तरह कुर्बान करते रहेंगे। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि हर बंदे का कोई ना कोई इस्माईल होता है, जब तक वो अपने इस्माईल की गर्दन पर छुरी नहीं रखता, रब का कुर्ब नसीब नहीं होता, तो अपनी अजीज तरीन मता अल्लाह की राह में कुर्बान करने का मौका आ जाए, वो जान हो, वो औलाद हो, वो माल हो, वो मनसब हो, जब हालात तकाजा करें और आपको लगे कि मेरे मालिक का मुझसे ये तकाजा है, तो राह खुदा के अंदर कुर्बान करने का जब ये जज्बा इस लेवल तक पहुंच जाए, तो फिर आप इस नूर से माला माल होते हैं, इस फैज़ से फैज़याब होते हैं। हमारे लिए ये वाक़यात इसलिए रखे, हम तो छोटे छोटे इम्तिहानों से डर जाते हैं, हमें बड़े इम्तिहान भी देने पड़े तो हमारे बड़ों की सीरत यह है कि हम कुशादा दिली के साथ, खुश दिली के साथ उन इम्तिहानों से गुजरें, फिर हमारे रब की रहमतें और करम नवाजियाँ हमारे शामिल हाल होंगी।